हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ सीए योगिता हरजानी एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आप आपके लॉ के पेपर को एनालाइज कैसे करोगे। अच्छा, मेरे पास एक क्वेश्चन आया था मेरे स्टूडेंट्स का। उन्होंने एमसीक्यू के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया था। उनको श्योर था कि 30 मार्क्स के एमसीक्यू में से 20 मार्क्स तो वो 100% आ ही जाएंगे, बिकॉज दे वर लाइक कि मैंने तो बिल्कुल ही सही किया है एंड पक्का 20 मार्क्स तो आने वाले हैं। और बाकी 20 मार्क्स 70 मार्क्स के पेपर में से उन लोग को लग रहा था कि शॉर्ट शॉर्ट उनको आ जाएंगे और वो लॉ के पेपर में पास तो 100% हो जाएंगे, बट वो लोग अटक गए एट 35 मार्क्स। So, I want to discuss about this. Now here the question is, क्या आप MCQ पे पूरी तरीके से रिलाई कर सकते हो जब आप अपने लॉ के पेपर के लिए जा रहे हो। See, MCQs 30 मार्क के हैं, आपको पास होने के लिए 40 चाहिए। So most people will think कि ठीक है ना, 30 मार्क के लिए हम लोग पहले MCQs अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं और बाकी के लिए हम लोग थ्योरी में से मे भी थोड़े से चैप्टर्स को छोड़ के चले जाएंगे। बट सी, दिस इज योर CA पेपर, ऐसा नहीं चलता। अगर आप MCQs पे रिलाई कर रहे हो, दो चीजें हो जाएंगी। पहली बात तो आप एमसीक्यू करके आए हो बट आपको 100% श्योर नहीं है कि वो सही है कि नहीं है, बिकॉज कई बार टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं, कई बार केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, छोटी छोटी टेक्निकलिटी पे भी आपका आंसर गलत हो सकता है। सो क्वेश्चंस का लेवल ऑफ डिफिकल्टी विल बी हाई इवन इन एमसीक्यूज। तो आप 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि आपने जो किया है वो एकदम सही किया है। चलो आप 100% श्योर होते भी हो, चलो मान भी लिया कि 20 क्वेश्चंस में से आपके 15 सही है, तो भी आपको बचे हुए 25 मार्क्स तो चाहिए रहेंगे। अब वो 70 मार्क का पेपर जो है वो होलसम जब चेक होता है तो उसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो पूरे के पूरे सिलेबस के अंदर से आते हैं। सो अगर आपने मान लो थोड़े से चैप्टर्स को स्किप कर दिया, बाकी चैप्टर्स कर लिए और वहां आप एग्जाम में देकर आ गए, तो जस्ट बिकॉज आपने कुछ आंसर्स नहीं अटेम्प्ट किए हैं वहीं आपके मार्क्स थोड़े से कम हो जाएंगे। जनरली स्पीकिंग, जहां एक स्टूडेंट 100% पेपर अटेम्प्ट करता है वहां चांसेस होते हैं कि उसको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मिले। जहां एक या दो आंसर्स किए ही नहीं होते हैं, अटेम्प्ट ही नहीं किए होते हैं, वहां पर मार्क्स के आने के चांसेस कम होते हैं। अगर आप ये सोचो कि किसी आंसर को आपने एकदम 100% एकदम एक्यूरेट किया है और वो 6 मार्क का कोई आंसर है, आपको कम ही मार्क्स मिलेंगे, आपको 5 मिलेंगे, आपको 4 मिलेंगे, इवन इफ आपका वो एक्यूरेट आंसर है, क्योंकि कई बार वो स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं होता, वो एक्सपेक्टेशन इंस्टीट्यूट के एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से नहीं होता। सो आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से एग्जैक्टली मार्क्स नहीं आएंगे। सो आपको जो स्ट्रैटेजी यहाँ पर यूज करनी रहेगी वो ये है कि आप 100% कोर्स करके जाओ, ताकि कम से कम हर एक आंसर में आप कुछ ना कुछ रेलेवेंट काम की चीज लिख सको, ताकि हर एक आंसर में आप एक्चुअल में स्कोर कर सको। और जहां आपने सारे आंसर्स में स्कोर कर लिया तो चांसेस हैं कि टोटल अप करने के बाद आप 40 क्रॉस कर जाओगे। सी अगेन, देयर इज वन मोर थिंग, द सेकंड थिंग विच आई वांट टू टॉक अबाउट हियर। सी, जब आपका पेपर चेक होता है तो एंड में जो मार्क्स होते हैं उनकी थोड़ी बहुत ऊपर नीचे स्केलिंग भी होती है। डिपेंड, उस हिसाब से आपके मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर भी जा सकते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, थोड़े बहुत नीचे भी आ सकते हैं किसी सब्जेक्ट के अंदर, इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके एक्चुअली डिजर्विंग मार्क्स कितने होते हैं। सो अगर कभी ये सिचुएशन होती है तो इवन इफ आपके एमसीक्यूज में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स होंगे तो भी थोड़े बहुत नीचे हो सकते हैं। सो आप पूरी तरीके से अगर सिर्फ एमसीक्यूज पे रिलाई कर रहे हो और 2-3 चैप्टर्स आपके कोर्स के हैं उस पर रिलाई कर रहे हो तो ये स्ट्रैटेजी इज नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर CA एग्जामिनेशंस। CA के लिए आपको ध्यान रखना है मेरा पूरा का पूरा सिलेबस करके जाओ। अकॉर्डिंग टू मी, बेस्ट स्ट्रैटेजी तो यही होगी कि आप थ्योरी के हिसाब से पूरा का पूरा अच्छे से प्रिपेयर कर लो, एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली प्रिपेयर हो जाएंगे, बिकॉज एमसीक्यूज आपके थ्योरी के अंदर से ही तो आने वाले हैं। थ्योरी के अंदर ही जो आपके लॉ के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसी पर तो बनेंगे एमसीक्यूज। सो एमसीक्यूज पे अलग से फोकस करने के बजाय अगर आपने पूरे के पूरे कोर्स को ही अच्छे से ध्यान से कर लिया है तो दैट विल सॉल्व बोथ ऑफ योर प्रॉब्लम्स। आपका थ्योरी भी कवर हो जाएगा, एमसीक्यूज भी कवर हो जाएंगे। The next thing that we are discussing here is how to analyze your law paper. अब आपका रिजल्ट आ गया है, अब सपोज आप पास नहीं हुए हो, थोड़ा टाइम लो, बी सैड, वंस यूर अप अगेन, वंस यू डिसाइड कि नहीं ठीक है वापस अटेम्प्ट देना है और इस बार अच्छे से पढ़ के एग्जाम देने हैं, तब आपको सबसे पहली चीज ये करनी पड़ेगी दैट यू विल हैव टू एनालाइज योर पेपर। आपने जो एग्जाम में पेपर करके आए हो, एक बार वहां बैठकर अपने खुद के स्टडी टेबल पर जहां पर भी आप पढ़ते हो, यू विल हैव टू सिट डाउन। आपको सोचना पड़ेगा आपने क्या सही किया था, क्या गलत किया था और इस बार आप क्या चेंजेस लाने वाले हो आपके नेक्स्ट अटेम्प्ट में। यू विल हैव टू मेक दैट एनालिसिस। उस एनालिसिस के बिना अगर दोबारा वही चीज वापस करके दोबारा एग्जाम में जाओगे और एक्सपेक्ट करोगे कि रिजल्ट चेंज हो जाएगा, देन इट डजंट वर्क लाइक दैट। इफ यू डू द सेम थिंग अगेन एंड यू एक्सपेक्ट अ डिफरेंट रिजल्ट, दिस इज अ साइन ऑफ अ फूल। सो वो नहीं करना है। सो ट्राई टू इम्प्रोवाइज। अब इम्प्रोवाइज करना है तो यू विल हैव टू एनालाइज फर्स्ट एंड देन अकॉर्डिंगली हम इम्प्रोवाइज करेंगे। अब एनालाइज कैसे करना है, सी फॉर एनालिसिस, ऑफ कोर्स आप आपका पेपर जरूर इंस्टीट्यूट से मंगवा सकते हो एंड उसके बाद एनालाइज कर सकते हो, बट जब तक पेपर आएगा तब तक टाइम निकल जाएगा, तब तक खुद का एनालिसिस आप पहले कर। सो पेपर के आने से पहले भी यू विल हैव टू एनालाइज योर पेपर। सो कैसे आप एनालाइज करोगे, यू विल हैव टू सी आप क्या क्या टॉपिक्स एक्चुअल में करके गए थे एग्जाम के अंदर। आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे 100% सिलेबस में से आप करके कितना गए थे, पहली बात तो वो चीज। देन दूसरी बात, आप एग्जाम में जब गए तो वहां पर आप कितना एक्चुअल में अटेम्प्ट करके आए हो, उस अकॉर्डिंग आपको समझ में आएगा कि भाई आपके मार्क्स कितने आए हैं। लेट्स अज्यूम सपोज आप एग्जाम में पूरे 100 मार्क्स का जो पेपर होता है, पूरा सिलेबस जो कंपनी को लॉ का था उसके अंदर से लेट्स अज्यूम कि आप 70% कोर्स करके गए हो, 30% चैप्टर्स को आप छोड़ के चले गए। सो दैट मीन्स वहीं आपके 30% ऑब्टेन करने के तो चांसेस गए। अब आप वहां पे एग्जाम में बैठे और आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया, एग्जाम में अटेम्प्ट किया, वहां पर भी आपने 100 मार्क्स में से लेट्स अज्यूम 20 मार्क्स का नहीं अटेम्प्ट किया, आपने सिर्फ 80 मार्क्स का अटेम्प्ट किया, तो वहां पर और 20 मार्क्स आने के चांसेस गए, राइट। सो दैट मीन्स देखा जाए तो 50 मार्क्स तो आप वैसे ही पानी में डुबो चुके हो। बचे हुए 50 मार्क्स में से शायद आपके ऊपर नीचे होकर शायद पास हो जाओ, शायद नहीं पास हो, और पास नहीं हुए हो तभी आप एनालिसिस कर रहे हो, राइट। सो यू विल हैव टू एनालाइज अकॉर्डिंगली। अब इस अटेम्प्ट में फिर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो टॉपिक्स आपने छोड़े हैं वो टॉपिक्स आप एक तो कवर करके जाओ। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग, जो आपने टॉपिक्स कवर नहीं किए हैं वो कवर करने हैं। सेकेंड थिंग कि आपने अगर पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं किया तो वो आपको पेपर अब पूरा अटेम्प्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए अब आपको सोचना पड़ेगा कि आपकी स्पीड कम थी, अगर स्पीड कम थी तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आपको वो टॉपिक्स एग्जाम में आते ही नहीं थे इस वजह से छूट गए तो फिर आपको वो टॉपिक्स करके जाना पड़ेगा ताकि आपके एग्जाम में वो अब नहीं छूटे। तो ये दो चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम हो सकती है, ऐसा हो सकता है कि आपने कोर्स किया तो था बट उसका प्रॉपर रिविजन नहीं कर पाए और एग्जाम में इस वजह से आपको चीजें याद ही नहीं आई, ठीक है। तो अगर ऐसा भी हो सकता है, अगर ऐसा आपको लगता है कि आपके साथ हुआ है तो प्लीज इंश्योर कि इस बार आप प्रॉपर रिवीजन भी करके जाओ। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम अगर सीए एग्जाम्स की बात कर रहे हैं तो एटलीस्ट 3 बार रिवीजन आपका होना ही चाहिए एग्जाम से पहले, और स्पेशली लॉ का पेपर है, आपको चीजें याद रहनी चाहिए। उसके लिए आपको एक बार 100% कोर्स एग्जाम से जस्ट पहले भी करना पड़ेगा और उससे पहले आपको रिविजन भी करने पड़ेंगे। सो उसके लिए आपको प्लान भी बनाना पड़ेगा। सो यू विल हैव टू हैव अ प्रॉपर स्टडी प्लान। अब स्टडी प्लान कैसे बनाना है उसका भी वीडियो मैं यहाँ पर आई बटन में डाल रही हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, सो यू कैन सी दैट वीडियो ऑल्सो। सो यू विल हैव टू कम अप विद अ गुड प्लान एंड यू विल हैव टू इंश्योर कि आप रिवीजन भी 3 बार करो ताकि एग्जाम में आपको चीजें याद रहे। अगर इस बार आपने नहीं किया था तो अब आपको वो स्ट्रैटेजी यूज करनी पड़ेगी आपके नेक्स्ट एग्जाम में। नेक्स्ट थिंग इज अपन का लॉ का पेपर है तो प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सब कुछ आता है पर वहां पर अगर आपको लिखना नहीं आ रहा, अगर आप प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सो आपका प्रेजेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी इंग्लिश इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब लॉ का पेपर प्रेजेंट कैसे करना है अगर वो आपको देखना है तो मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं यहाँ पर आई बटन है वहां पर डाल दूंगी एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक डाल दूंगी, आप वो खोल के देखो। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि लॉ का पेपर आपको लिखना कैसे है। दैट प्रेजेंटेशन हैज टू बी टेकन केयर ऑफ। आप अच्छे से प्रेजेंट करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। आपका पेपर चमक के दिखना चाहिए, आगे के 10 लोग और पीछे के 10 लोगों से अच्छा होना चाहिए। अच्छा का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लोरल हैंडराइटिंग लिख रहे हो, नहीं, इट मीन्स राइटिंग एवरेज हो चलेगा पर कम से कम कंटेंट अच्छे से प्रोफेशनली प्रेजेंट होना चाहिए। सो दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इन मेन चीजों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। आपकी गलती कहीं ना कहीं यहीं पे इन्हीं रीजन्स में होगी। सो प्लीज एनालाइज ऑल ऑफ दैट, लेकिन सिर्फ एनालाइज करना काफी नहीं है, इन चीजों को चेंज भी करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपने एक्चुअली ये सारी की सारी चीजें इम्प्लीमेंट कर दी आपके एग्जाम में देन आई प्रॉमिस यू आप पास हो जाओगे, बिकॉज इम्प्रोवाइजेशन की वजह से ही सब पास होते हैं, फेल होने वाले भी पास होते हैं एंड वो इम्प्रोवाइजेशंस की वजह से ही होते हैं। इन सारे एरर्स को ठीक करो, सारी अपनी प्रेपरेशन अच्छे से करो एंड यू विल श्योरली पास। एंड अगर आपके इसके अलावा कोई और क्वेश्चंस हैं सो प्लीज उसको कमेंट्स में लिखो, आई विल रिप्लाई टू दैट एंड आई वुड लव टू रिप्लाई टू दैट एक्चुअली। उसके अलावा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आई अपलोड वीडियोज रेगुलरली। आपके कोई एडिशनल रिक्वेस्ट है वीडियो के लिए सो वो रिक्वेस्ट भी प्लीज कमेंट्स में डालो एंड इस वीडियो को लाइक करना इफ आई हैव हेल्प्ड यू इन एनी वे एंड प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑफ कोर्स। So I hope this has helped and all the very best to you. I'll see you next time.